कालाहारी डेजर्ट, साउथ अफ्रीका की एक सूखी जमीन जहां जिंदा रहना किसी चुनौती से कम नहीं। इस रेगिस्तान में कुछ खतरनाक जीव भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने इस मुश्किल सी जगह में रहने के लिए अपने आप को ढाल लिया है। उन्हीं जीवों में से एक प्यारा सा जीव है मीरकैट। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मीरकैट एनिमल के बारे में, साथ ही जानेंगे इस रेगिस्तान में यह अपने आप को कैसे जिंदा रख पाते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल ITV हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मीरकैट एक तरह के नेवले होते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और वजन लगभग 1 किलोग्राम तक होता है। यह बड़े ही फनी किस्म के जीव होते हैं जो अक्सर आपस में ही खेल खेल में लड़ते रहते हैं और हमेशा आपस में बातचीत करते रहते हैं। यह जीव मांसाहारी होते हैं। यह बिच्छू और बीटल जैसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। यह जीव ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप में लगभग 20 मीरकैट होते हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इनके ग्रुप का मुखिया मादा मीरकैट होती है। मादा मीरकैट बच्चों की देखरेख करने के साथ साथ ग्रुप के अन्य सदस्यों को गाइड भी करती है। इंसान के बच्चों की तरह यह भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। ग्रुप के हर सदस्य बच्चे संभालने में सहयोग करते हैं। बच्चों को शिकारियों से बचाए रखना भी एक मुश्किल काम है। मीरकैट का सबसे बड़ा दुश्मन ईगल होता है। यह दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं और अपने मजबूत पंजों के साथ मीरकैट को आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं। इनका एक और दुश्मन है कोबरा स्नैक। मीरकैट का सामना अक्सर कोबरा से होता है, लेकिन मीरकैट के अंदर कोबरा के जहर को सहने की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा खतरा इनके बच्चों के लिए होता है, ताकि वे इनका भोजन ना बन जाएं। जब यह झुंड में होते हैं तब ये एक साथ मुकाबला करते हैं। इनके झुंड के आगे कोबरा को भी भागना पड़ जाता है। इनके ग्रुप में एक पहरेदार होता है जो हमेशा निगरानी के लिए तैयार रहता है और उसका काम पहरा देना होता है, ताकि जब भी कोई ईगल या फिर कोई अन्य शिकारी जीव इनका शिकार करने की कोशिश करता है तब यह अपनी अनोखी आवाज निकालकर ग्रुप के हर सदस्य को चौकन्ना कर देते हैं। इनका ज्यादातर समय शिकार करने में ही बीत जाता है। पूरे दिन सीखने और शिकार करने के बाद ये नन्हे से बच्चे इतने थक जाते हैं कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाते और थकान के मारे गिर पड़ते हैं। अफ्रीका की गर्मी से बचने के लिए यह छांव में रहते हैं और आराम करते वक्त भी यह अलर्ट रहते हैं। शाम को सूरज ढलते ही यह अपनी बिलों में चले जाते हैं। दोस्तों, मीरकैट एनिमल के बारे में यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।